नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ, हम तो आपको गाइडेंस कर सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो पढ़ना है, दिन रात मेहनत आपको करनी है। तो आप पढ़िए, दिन रात मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपनी जिद पर अड़े रहिए। आप जो आप आज कर रहे हो वो आपका भविष्य है। तो दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस सेट निकाल दीजिए। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू साइंस के, एचएसएससी, एसएससी, एनटीपीसी, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए। डू नॉट हैव एंजाइम, ये क्या कह रहा है? जानवरों के पास किस प्रकार एंजाइम तंत्र नहीं है जो उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाता है? बताइए, जानवरों के पास कौन सा एंजाइम तंत्र नहीं है जो उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाता है? शाबाश, एनेबल देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी। शाबाश, जानवरों के पास किस प्रकार का एंजाइम तंत्र नहीं है? वेरी गुड, आंसर दीजिए कमेंट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? जानवरों के पास क्या नहीं है? एंजाइम तंत्र फैट नहीं होता भाई। तो इसका क्या आएगा? वसा आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, जो रेडियोलॉजिस्ट आंत के सीधे एक्सरे की तस्वीर क्यों नहीं लेते, बताइए। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो हमारी आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन्स, उनकी सीधी तस्वीर क्यों नहीं लेते, बताइए। ऑप्शन नंबर एक देखिए, आते एक्सरे के साथ सीधा संपर्क से प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, आंत से एक्सरे आंत को पार नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर थ्री है, एक्सरे स्पष्ट चित्र कैप्चर करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन नंबर चार है, एक्सरे के कम संपर्क से भी आंत में कैंसर होता है। तो बच्चों बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर बताइए कि रेडियोलॉजिस्ट आंत के साथ एक्सरे की तस्वीर क्यों नहीं लेते, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, आंत एक्सरे स्पष्ट चित्र करने में, कैप्चर करने में सक्षम नहीं है। एक्सरे स्पष्ट चित्र कैप्चर करने में सक्षम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका सी आएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्लोन किसका आवास है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये इजी लैंग्वेज नहीं है जो आप सोच रहे हो। क्लोन, ऑप्शन देखिए, विभिन्न आकार वाली कोशिकाओं का, समान आकार वाली कोशिकाओं का, समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं का, या विभिन्न अनुवांशिकी गठन वाली कोशिकाओं का, बताइए। क्लोन क्या आएगा? इसका राइट आंसर समान आकार वाली कोशिकाओं का। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? सी आएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं, बताइए। जो कीटों द्वारा परागित होते हैं वो फूल, वो परागकण कैसे होते हैं? शाबाश, ऑप्शन नंबर एक है, स्मूथ एंड ड्राई यानी चिकना और खुरदरा, रफ एंड स्टिकली यानी कि खुरदरा और चिपचिपा, बताइए। खुरदरा और सूखा, और बड़ा और दिखावटी, क्या आएगा इसका राइट आंसर? कीटों द्वारा जो परागित फूलों के कण किस कैसे होते हैं? लेवल के क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, एग्जाम लैंग्वेज क्या बोल रही है वो कंटेंट पढ़ो। इजी क्वेश्चन तो बहुत है, इजी पढ़ने से क्या फायदा? कीटों द्वारा क्या आएगा इसका? चिपचिपा है, खुरदरा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? खुरदरा और चिपचिपा। ये क्या कह रहा है? जो खाद्य संरक्षण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आप कोई खाने चीज़ों की वस्तु लाते हो तो उसको संरक्षित रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं खाने के लिए? साबस बताइए, खाद्यान्न संरक्षण के लिए कोई भी चीज़ का स्टोरेज करते हैं खाने के लिए, उसके हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर एक, सोडियम बेंजोएट का, सिरका का, सोडियम क्लोराइड का, या पोटेशियम परमैंगनेट का? वेरी गुड, कमेंट में आंसर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त बच्चे, क्वेश्चन वो पढ़ो जो एग्जाम में आते हैं। टाइम पास, आपका समय बहुत कीमती है।
इजी क्वेश्चन मैं पढ़ा सकता हूँ, बहुत इजी भी पढ़ा सकता हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये वाह भी वाह, समझ में आएगा एग्जाम में? नहीं आएगा, आएगा तो तब भी कर दोगे। ये देखो, खाद्य संरक्षण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, इसका राइट आंसर क्या आएगा? सोडियम बेंजोइट का। सोडियम बेंजोइट का करते हैं खाद्य संरक्षण के लिए हम उपयोग। एस्बेस्टो के कारण होने वाली बीमारी, देखिए जैसे कि कोई सीमेंट के कारखाने में काम करते हैं, है ना बच्चों, तो उनको क्या होता है कि उनकी, जैसे वो सांस वगैरह लेंगे ना, जब वो सांस वगैरह लेते हैं तो सीमेंट उनका फेफड़ों में जाके जम जाएगी, ठीक है। ये मोस्टली सीमेंट के कारखानों में वगैरह इनमें काम करते हैं, उनमें होता है लगभग, कोयलों के खदानों में काम करने वालों को भी, तो उसको बोलते हैं एस्बेस्टो से के कारण होने वाली बीमारी, क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन नंबर एक है वातस्फीति, लकवा, दस्त या पेचिस। बताइए, लकवा लग जाएगा या दस्त लग जाएंगे या पेचिस हो जाएगा? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो पेचिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइए आंसर दीजिए, पेचिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या आएगा जी? आंत प्रभावित होती है। चलो, इसका राइट आंसर क्या आएगा? वातस्फीति। एम्फिसेमा मतलब इसमें क्या होता है, इसमें फेफड़ों में वो जम जाता है, जो सीमेंट के वो पाउडर वगैरह उसके अंदर जम जाएगा तो फेफड़े जाम हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एस्बेस्टो। नेक्स्ट देखिए, इंट्राकाइनेजियन एंजाइम पाए जाते हैं लार में, अमाशय में, आंत में या अग्नाशय में, पैनक्रियाज में, बताइए किस में पाया जाता है ये इंट्राकाइनेजियन एंजाइम? वेरी गुड, लार में नहीं होता, टाइलिन वगैरह होते ना, एमाशय में, यानी कि गैस्ट्रिक जूस में, या फिर आंत में, या पैनक्रियाज में, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आंत में। और ये मैंने पढ़ा रखा है आंत में कौन कौन से पाए जाते हैं, एमाशय में सब बता रखा है बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए, चींटी किसकी उपस्थिति के कारण अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है, बताइए, और चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। मेरा आपसे क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एंट्स, चींटियों का अध्ययन, चलो ये बताइए, चींटी किसकी उपस्थिति के कारण अपने चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है? ऑप्शन नंबर एक, साधारण आंखें होती हैं उनकी, सिर से ऊपर की ऊपर होती हैं, या फिर सुविकसित आंखें होती हैं, वेल डेवलप्ड आई होती हैं, या कंपाउंड आई होती हैं, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्या आएगा देखिए, क्या आएगा उसकी, क्या होती है जी? कंपाउंड आइज होती हैं, जिससे चींटी चारों तरफ का देख सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सारे क्वेश्चन जानदार हैं, शानदार हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने कोई स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं उसमें आप सब्सक्राइब कीजिए और बताइए चैनल के बारे में, कम समय में ज़्यादा कंटेंट, आप इसको फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, लगभग सभी इंस्टाग्राम चलाते हैं। दिल की धड़कन के लिए अनुमानित आवश्यक समय है, बताइए, दिल की धड़कन के लिए, देखो एक मेरा देखो आप लोगों के लिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है, एक धड़कन को धड़कने में लगा समय,
बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक धड़कन को धड़कने में लगा समय। वेरी गुड। देखो एक धड़कन को धड़कने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड बच्चों, ठीक है। धड़कन और उसकी बीमारियों को अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, कार्डियोलॉजी। और हृदय पर कौन सी लेयर होती है, पेरिकार्डियक। हृदय पर कौन सी लेयर होती है भाई, पेरिकार्डियक झिल्ली होती है। चलो नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए आप, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, मेरी बात समझ देख लियो। छोटी आंत की जो वॉल होती है ना, उसमें उंगलियों के आकार का से की उंगलियों के आकार वाले उभेर हो रहते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं बताइए, मैट्रिक्स कहते हैं, विलाई कहते हैं, विली दे रखा है इसका, क्रिस्टा कहते हैं, नहीं समझे। देखिए छोटे आंत के तीन भाग होते हैं, डुडेनम, ये स्टोमेच है, ये छोटे आंत है, छोटे आंत का पहला भाग डुडेनम, जुजेनम और इलियम। यहां पर उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, इसको विलाई कहते हैं, ठीक है। ये भोजन को अवशोषित करता है, ठीक है, और क्या करता है, और भोजन को जो पौष्टिक होता है ना, उसको हमारे शरीर के उसको ब्लड के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, छोटी आंत का जो डुडेनम भाग है उसका आकार बताओ, छोटी आंत के डुडेनम भाग का आकार कैसा होता है बताइए, साबास। देखिए डुडेनम का आकार कैसा होता है, अगर कोई पूछे ना पेट का आकार पूछ ले, स्टोमेच का आकार तो आएगा जे के आकार का बच्चों, और छोटी आंत का जो डुडेनम भाग होता है उसका आएगा सी के आकार का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जैसा पढ़ोगे वैसा ही पाओगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रखे मिलते हैं कि छोटी आकार का कैसा भाग है, छोटी आंत होती है उसकी डुडेनम भाग का आकार बताइए। तो प्यारे बच्चों इसका क्या आएगा, इसका विल्ली आएगा, इनकी विलाई आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये देखिए श्वसन की प्रक्रिया नियंत्रित की जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेरिंग से, ट्रैकिया से, एपिग्लोटिस से या डायफ्राग्राम से, यानी कि कंठ नली से, वायु नली से, कंठ श्वस से या मध्य कपट से बताइए, साबास। बच्चों जो मनुष्य में जो ध्वनि साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होता है मनुष्य में, तो बच्चों मनुष्य में साउंड प्रोड्यूस होता है लेरिंग से, ठीक है ये। और पक्षियों में पूछे तो साइरिन आएगा, ये क्वेश्चन भी आता है। ट्रैकिया श्वास नली होती है, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले उनका श्वसन तंत्र होता है ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोल देते हैं या श्वसन नली बोलते हैं। अब देखना एक होता है एपिग्लोटिस क्या होता है भाई, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के ऊपर, भोजन श्वास नली के ऊपर एक ऐसे ढक्कन सा होता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, वो जब उससे क्या होता है कि वो ढक जाता है वो, और भोजन सीधा पेट में चला जाए और सांस जब सांस लें तो वो ट्रैकिया के होते हुए हमारे फेफड़ों में चला जाए, तो वो जो ढक्कन सा होता है वो एपिग्लोटिस होता है बच्चों। अब देखना अब बच क्या गया, श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन करता है बच्चों, मध्यपट, यानी कि इसको बोलते हैं डायफ्राम। देखिए ये देखिए ये इनहेल ये एक्सहेल होता है, सांस का लेना और सांस का छोड़ना,
तो नियंत्रण वाला आता है ना बच्चों, देखो ये रहा डायफ्राम, ये तो है देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला तो अब सांस लेते हो ना, ये यहाँ देखो, यहाँ ये कंट्रोल हो गया पूरा, देखो आप ध्यान से देखो, इसमें एरो लग रहा है ना, इसको ध्यान से देखो, इसको और इसको देखो मैच करो, तो यही तोता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और मनुष्य 1 मिनट में कितना सांस लेता है बताओगे? 16 से 18, 17, 16 से 18 बार होता है भाई पर मिनट। देखो निम्नलिखित में से पौधे में निकलने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, बताइए पौधों में से कौन सा क्या नहीं निकलता? गोंद, राल नहीं निकलती, मूत्र या वनस्पति दूध, लेटेक्स, बताइए। पौधों में निकलने वाला एक वनस्पति पदार्थ नहीं है, वेस्ट मटेरियल। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बच्चों मूत्र। पौधों से मूत्र नहीं निकलता, लार निकलती है, गोंद निकलता है और वनस्पति दूध निकलता है, लेकिन मूत्र नहीं निकलता। क्वेश्चन देखिए, शीतल पेय का निर्माण करने के लिए किस किसका प्रयोग करते भाई? सॉफ्ट ड्रिंक में फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल या फास्फोरस अम्ल या बोरिक अम्ल या सेलिसिलिक अम्ल, बताइए। सॉफ्ट ड्रिंक में हम किस अमल का इस्तेमाल करते हैं? कई बार पूछ लेता ना, कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, वो भी बताना। देखो क्या आएगा इसका राइट आंसर भाई, शीतल पेय के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? फॉस्फोरिक अम्ल, ए आएगा इसका राइट। और कोका कोला खट्टा स्वाद भी इसी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का जो जो हाईएस्ट वो होता है ना इसका, जो उसमें मान बोल देते, जो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बताइए? कैलोरीफिक, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किस गैस की बताइए? नेचुरल की, वाटर गैस की, कोल गैस की या फिर इंडियन गैस की? हाँ भाई उसमें मान बताइए, थोड़ा घुमा के दे दिया इसने, कोई बात नहीं, तो हम भी इसको घुमा देंगे। क्या आएगा? इंडियन गैस आएगा, यानी कि इंडियन, अरे एलपीजी इसी का ही तो होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस तरह की विकिरणों का अवशोषण किया जाता है बताइए? जो वायुमंडल जो रेडिएशन होते हैं ना, उसको ऑब्जर्व करती है बताइए, अपर लेयर एटमोस्फियर बताइए, रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य या अल्ट्रा वायलेट, पैराबैंगनी, कौन सा आएगा वायुमंडल की? इसका राइट आंसर क्या आएगा? पैराबैंगनी तरंगे। ठीक है, इजी था। पुनर्भरणीय ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है बताइए? कोयला है, पेट्रोलियम है, लिग्नाइट या बायोमास? क्या आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। बायोमास आएगा। निम्नलिखित में से खनिज शुद्ध रूप में पाया जाता है बताइए? इनमें से इन ये ऑप्शन दे दिया आपके सामने, जो प्योर कौन सा पाया जाएगा? मेटेरियल मेटेरियल इज फाउंड इन प्योर फॉर्म, बताइए आयरन, कॉपर, बॉक्साइड या मैगनीज, इनमें से शुद्ध रूप में कौन सा पाया जाता है? राइट
राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, बी आएगा, क्या पाया जाता है भाई, कॉपर पाया जाता है। शुद्ध रूप में क्या पाया जाएगा बच्चों, कॉपर पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। और ये एग्जामिनर पूछ लेता है, जो सुदूर सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं भाई, जो सड़कें होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं किसके कारण है। ऑप्शन नंबर एक है, सड़क पर गतिहीन चल, गतिहीन जल को भारी यातायात से, बताना भाई, जो सड़कें होती हैं वो टूट जाती हैं किसके कारण, ढलान नहीं हो इसी के कारण, रख रखाव नहीं किया जाए इसी के कारण, भारी यातायात के कारण, या सड़क पर गतिहीन जल हो। सोच समझ के आंसर दीजिएगा बच्चों, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना हैवी नहीं है, जो आप सोचते हो ना वैसा क्वेश्चन नहीं है। अभी जितने मैं टफ करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे टफ आएंगे, मुश्किल से पांच क्वेश्चन टफ आएंगे। देखिए क्या आएगा इसका राइट आंसर, भाई सड़कें स्थिरगत इसलिए होती हैं भारी यातायात, फिर यातायात कहाँ से जाएगा बताओ भाई, रख रखाव नहीं किया जाए, फिर ये टोल क्यों लेते हैं, ढलान नहीं है। तो देखिए सड़कों पर गतिहीन जल हो जाता है, मतलब सड़कों पर पानी भर जाता है, मतलब वो पानी खड़ा रहेगा तो सड़कों पर क्या होगा कि टूटने लग जाएंगी सड़कें। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। आ गया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था ना, कितना प्यारा क्वेश्चन था कितना नॉर्मल था, शाबाश बच्चों, आप पढ़ते रहिए ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। हमने हर सब्जेक्ट की क्लासें अवेलेबल करवा दी है, तो दोस्तों आप कम समय में ज़्यादा कंटेंट लीजिए, अपना समय बचाइए। बताइए मरी गुजाना है, मतलब औषधि गांजा, गांजा है, बताइए गांजा क्या है, शाबाश, गांजा सुना होगा, पीते ना लोग गांजा पीते हैं, बहुत से लोग पीते हैं गांजा, देखिए अब वो गांजा पीते हैं क्यों पीते हैं बताइए, सामक औषधि है गांजा, यानी कि उसकी नशें वगैरह वो सुस्त हो जाए, मतलब वो एक्टिव वगैरह हो जाए बिल्कुल, या उत्तेजित हो जाते हो, या भ्रमकारी होती हैं, भ्रम फैलाती है भाई कुछ नहीं आना जाना, या उपशामक औषधि है, उपशामक बताइए, शांत, उपशामक का मतलब होता है शांत, सुनना होना, तो गांजा पीने वाले लगभग क्या हो जाते भाई, बताना ऑप्शन, आंसर देना बच्चों। गांजा क्या है, उपशामक औषधि है, ओनली सुपर क्यूज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेसबुक ग्रुप पे भी छोड़ दीजिए, आप जिस ग्रुप से आप स्टडी करते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपकी जानकारी भी जॉब में लगें। देखो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, ये टेरिलिन के रूप में जाना जाता है, बस इतना देख लो, टेरिलिन के रूप में एक कौन सा जाना जाता है बताइए, सिंथेटिक होता है, नेचुरल होता है, मॉडिफाइड होता है, कॉटन एंड सिल्क, बताइए भाई, संश्लेषित रेसा है, टेरिलिन प्राकृतिक रेसा है, वेरी गुड, आंसर दीजिए इसका, टेरिलिन क्या है, क्या आएगा बच्चों, सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित रेसा है टेरिलिन। ये तो बिल्कुल, ये तो सुनो क्वेश्चन आप देखो पहले, फिर मेरी लैंग्वेज सुनो, ये क्या कह रहा है, गीले कपड़ों को स्पिन ड्रायर के लिए किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है, सेम है, यानी कि सिंपल भाषा सुन लो,
वॉशिंग मशीन की सिद्धांत पर कार्य करती है, वॉशिंग मशीन की सिद्धांत पर काम करती है। बदलो सेंट्रिपिटल सेंट्रीफ्यूगल बताइए शाबाश क्या आएगा। अपकेंद्रीय बल दूध से क्रीम निकालना, अपकेंद्रीय बल इसका भी क्या आएगा, अपकेंद्रीय बल है ना। एग्जाम लैंग्वेज थोड़ी चेंज। टैप रिकॉर्डर को निम्न में से किस धातु के पास नहीं रखना चाहिए बताइए। जब आपके पास रेडियो है टैप रिकॉर्डर है तो घड़ी के पास नहीं रखना चाहिए, चुंबक के पास, विद्युत स्विच बोर्ड के पास या रेडियो के पास। आंसर दीजिए बच्चों, टेप रिकॉर्डर को किस धातु के पास नहीं रखना चाहिए। शाबाश, बहुत है ना इजी क्वेश्चन, टफ तो एक दो ही हैं बच्चों, टेंशन क्यों ले रहे हो। चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और एक बार नहीं कई बार पूछा जाता है, जैसी तैयारी करोगे वैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। हम आपके लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखना जबरदस्त है, इंग्लिश के देखना, सारे लेवल के क्वेश्चन है। एग्जाम में से बार कुछ नहीं आएगा, आप हम पर विश्वास कर रहे हो तो विश्वास को बना के रखिए। झूले पर बैठा कोई व्यक्ति जब झूले पर खड़ा हो जाता है तो बताइए क्या होगा, दोलन की आवृत्ति क्या होगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अनंत पर्याय परिवर्तित। शाबाश, झूले पर बैठा व्यक्ति इंक्रीज हो जाएगी भाई, क्या आएगा, बढ़ जाएगी। रात्रि फोटोग्राफी तथा धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी किसके प्रयोग से संभव हो पाती है बताइए। मैंने बार बार बोलता हूँ, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं, पैराबैंगनी, अवरक्त, माइक्रोवेव या गामा बताइए। क्या आएगा इसका आंसर, टीवी के रिमोट कंट्रोल में क्या आएगा, इसका क्या आएगा, बी आएगा, अवरक्त इंफ्रारेड आएगा। देखिए समुद्र के पानी का नीला रंग किसके कारण होता है, तो बच्चों सबको पता है समुद्र के पानी का नीला रंग, आसमान का नीला रंग, सूर्य का उगते हुए डूबते समय लाल दिखाई देना, यह स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, ये प्रकीर्ण के कारण। लेकिन आपको यहाँ प्रकीर्ण नहीं मिलेगा बच्चों, ये एग्जामिनर ने लैंग्वेज चेंज कर दी, तो हम उस लैंग्वेज से पढ़ेंगे, प्रकीर्ण मिलेगा लेकिन ढूंढने से, ठीक है, मिलेगा ढूंढने से मिलेगा। बताइए भाई, ऑप्शन नंबर एक है, जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का प्रकीर्ण, समुद्री जल में मौजूद अशुद्धियों द्वारा नीले रंग का परावर्तन, या समुद्री जल द्वारा नीले आसमान का परावर्तन। देखिए एक तो डायरेक्ट प्रकीर्ण मिले, एक घुमा के प्रकीर्ण मिले, इसमें इसने दे दिया घुमा के प्रकीर्ण, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, बी आएगा, और सी वी रमन ने खोज की थी। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक कौन सा है, इसमें से रबड़ है, सिलोलाइड है, अदह या फिर माइका है, अबेस्टस बताइए क्या आएगा, ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक हो, राइट आंसर दीजिए क्या आएगा बच्चों, अबरक आएगा, ठीक है अबरक आएगा। गर्मी के मौसम में पंखे पर हमें आराम मिलता है, गर्मी के मौसम में पंखे में हमें आराम मिलता है किस कारण बताइए। पंखा ठंडी हवा देता है, ऑप्शन नंबर दो है, पंखा को हवा शीतलित करता है, ऑप्शन नंबर तीन है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, और ऑप्शन नंबर चार है, वायु का प्रभावत्व में। बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आएगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ये देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या कह रहा है, जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी कि जाली कागजात को पता किससे लगाया जाता है, वेरी गुड शाबाश,
जाली दस्तावेजों की पहचान किसे की जाती है? राइट आंसर दीजिए। जाली दस्तावेजों की पहचान पैरा बैंगनी किरने, अवरक्त किरने, बीटा किरने, गामा किरने। वेरी गुड, शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ए आएगा, पैरा बैंगनी किरणों से जाली दस्तावेजों की पहचान कर ली जाती है। ये फर्जी हैं या फिर किस किस के बनाए गए हैं, कैसे हुए, सब पता लग जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, बारिश के बाद जल के निलंबन कणों के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है, खालिस्तान की के रूप में कार्य करता, बताइए। लेंस, दर्पण, प्रिज्म, खंड, बताइए। वेरी गुड, हाँ भाई, इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका प्रिज्म आएगा बच्चों। निम्न में से पृष्ठ तनाव का परिमाण है, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, विस्कोसिटी, कैपिलरिटी या रेडिएशन? निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव का परिमाण है, बताइए। अरे पृष्ठ तनाव पता होगा, पारे की बूंदे गोलाकार, बारिश की बूंदे गोलाकार, सब किसके कारण? पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण तो होती है। और कैपिलरिटी तो सुना होगा कि जब ये कोशिकताओं, कोशिकताओं तो सुना होगा ना अपने, कैसिकता बोल देते हैं, पौधों में पानी डालते हैं तो गुड़ पूछे तो कैसिकताओं, और जाइलम फ्लोएम भी होता है, ठीक है ना, जो टिश्यू पूछे तो जाइलम, या फिर हम लालटेन होता है, लालटेन की बत्ती में तेल डाल देते हैं और तेल ऊपर तक चला जाता है, किसके कारण भाई? कैसिकताओं के कारण तो जाता है। तो इसका पृष्ठ तनाव काढ़ा क्या आएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा कैसिकताओं। आकाशीय बिजली के चमकने का कारण क्या है, बताइए? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक लैग, इलेक्ट्रिक प्रेशर, बताइए। आकाशीय बिजली किसके कारण चमकती है? इजी आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है बच्चों, आकाशीय बिजली किसके कारण चमकती है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आएगा, बताइए, शाबाश। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। चलो देखते हैं, इसका राइट आंसर आएगा विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। फोटो, एक फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है, बताइए किस पर कार्य करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पर, इन दोनों में से बता दो बच्चों, शाबाश। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा विद, एक फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है किस पर? क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वो कंटेंट है जो आपको हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहे हैं। कितने अच्छे क्वेश्चन है, कितने जानदार शानदार क्वेश्चन है। एक फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है किस पर, बताइए? इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेजिंग पर। हाँ, इसका इलेक्ट बी मैग्नेटिक बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा बच्चों, ठीक है, मैंने बी को निशान राइट लगाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आएगा, ये आएगा बी इज राइट आंसर, फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, एक वायुयान जो हॉरिजेंटल लूप पर कुंडली में हवा में करतब दिखाता है, कई आप देखते हो ना किसी फंक्शन पर, यानी कि वायुसेना दिवस पर, या फिर आप देखेंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन पर हवाई जहाज करतब दिखाते हैं, ठीक है, इसका कारण क्या है? किस कारण से हवाई जहाज जो करतब दिखाते हैं वो किस कारण से? ये जैसे हवाई जहाज ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है ना, एक हवाई, कई बार मैं बताऊंगा आपको, चलो पहले बताऊँ, ऐसे करतब दिखाते हैं ना बच्चों, ऐसे ऐसे करके, तो बताओ हवाई जहाज करतब दिखाता है किसी भी फंक्शन पर, तो बताइए किसके कारण? ग्रेविटी, सेंट्रिपिटल यानी कि अभिकेंद्रीय बल के कारण, वेट के कारण, ठीक है, या सेंट्रीफ्यूगल केंद्र त्यागी बल यानी कि अपकेंद्र बल के कारण। एक वायुयान करतब दिखाता है किसके कारण, बताइए बच्चों? राइट आंसर कमेंट में दीजिए आप, बहुत ज़बरदस्त हैं, शानदार जानदार क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन है ये।
इससे बाहर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। मेहनत कर रहे हो आप, मंजिल जरूर मिलेगी, बस पढ़ते रहिए। देखिए अब कंटेंट वो पढ़िए जो एग्ज़ाम से रिलेटिव हो। कई बार होता ना, जैसे कि एक घर में एक लग गया, कोई घर में आई एक आईपीएस बन गया, उसके बाद देखना उसके पूरा परिवार ही आईपीएस बन जाता है, आईएएस बन गया एक, फिर उसके रिलेटिव भी आईएएस बनने लग जाते हैं, या फिर एक लग गया तो उसके साथ साथ 8-10 लग जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको सही गाइड का पता रहता है, उनको पता रहता है काम वार करना है एग्ज़ाम पे कि वहीं जाके सिलेक्शन हो। जैसे अब आप लग गए, आपको पता है कि ओनली सुपर क्यूज से चैनल से लगे हैं पढ़ के, तो आप भी अपनों को बताओगे भाई इस चैनल पे अच्छा कंटेंट है, तो वो बच्चा ये वो भी यहीं से पढ़ेंगे तो उनकी भी ज्वाइनिंग आएगी। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कम समय में ज़्यादा है ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, समय वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए हवाई जहाज कर तब दिखाता है किसके कारण है? उसका ग्रेविटी के कारण। और हवाई जहाज जब ऐसे घूमे ना, ऐसे इस तरीके से करतब दिखाए ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये तो हो गया अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, ये होगा ना ये वाला अभिकेंद्रीय बल। तो इस अगर ये आए तो ये अभिकेंद्र बल, केंद्र अभिमुख विमुख बल, सेंट्रिपिटल फोर्स, ये इसके कारण, ठीक है। और ऐसे ऐसे करतब दिखाएगा वो उसके कारण, ग्रेविटी के कारण। देखो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आप लोगों के लिए। तो मलेरिया की दवा कुनेन को किस वृक्ष साल से प्राप्त किया जाता है? धतूरा, जिरेसिमिया। चलो राइट आंसर देते हैं इसका, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं आपका, बिल आपको भी पता है कि मलेरिया की दवा होती है कुनेन, और ये किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना के वृक्ष की साल की, ध्यान रखना ये 200 सेंटीमीटर वाले स्थानों पर से अधिक सेंटीमीटर वाले स्थानों पर अधिक जो वर्षा होती है ना वहाँ पर पाए जाते हैं ये सिनकोना, ठीक है। मलेरिया की परजीवी का नाम बताइए, कमेंट में बताइए मलेरिया की परजीवी का नाम। प्लाज्मोडियम। इसकी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की बताइए? चार्ल्स लेवरोन साहब ने, और मलेरिया की रोनाल्ड रोस ने, ठीक है, इजी था। अब देखना बच्चों ये इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। खालिस्तान को मिट्टी मिलाकर मिट्टी की जो एल्कलियन है ना, यानी कि क्षारीयता को बनाए रखता है कौन? चूना, अमोनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड या फेरिक एल्युमिना, ये आपको कमेंट में बताना आंसर, ठीक है। अब देखना है एक और ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूलों के निषेचन से संबंधित है? ठीक है बच्चों, कौन फूलों के निषेचन से संबंधित है? कैरोला, बाह्यदल, पुष्पंग या पुष्पकोष, जो फर्टिलाइजेशन है ऑफ फ्लावर, बताइए फूलों के निषेचन से संबंधित है। चलो इसका मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर पुमंग आएगा, राइट आंसर सी आएगा इसका। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट में बताना है। रोगों का निम्न में से कौन सा समूह संदूषित जल में से फैलता है? बताइए संदूषित जल से फैलता है। मलेरिया, चेचक, एजा टाइफाइड, खसरा मलेरिया और एजा प्लेग। मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों कमेंट में बताने हैं। कल मैंने पूछा था तितली के कितने पैर होते हैं और शकरगंध क्या है, कल मैंने ये दोनों क्वेश्चन पूछे थे बच्चों आपसे, और बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिए उन्होंने कमेंट में। तो बच्चों कल तितली के 6 पैर होते हैं और शकरगंध एक जड़ है, तो कमेंट में आंसर आए थे टीना कुमारी का, राइट आंसर था हरिओम योगी का, अन्नू कुमारी का, ईसु धैया का, अंकित AK-47 का, मंजू बागरी का, विजय वर्मा का,
कुलदीप यादव का। इन बच्चों ने राइट आंसर दिए थे सुशीला सैनी का। रविंदर डॉक्टर का, सुषमा सुम्मी का। तो इन बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए थे। तो आप लाइव चैट में नहीं, कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों। तो इन दोनों क्वेश्चन ये इजी हैं, तो इसके आपको कमेंट में आंसर देने हैं आप। तो बच्चों, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। तो दोस्तों, हम आपको गाइड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। सेल्फ स्टडी आपको करनी है, आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपनी मंजिल तक पहुंचिए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज़ यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।